किन्नौर नेशनल हाईवे नंबर 5 अधिक बर्फबारी के कारण अवरुद्ध है। वैकल्पिक मार्ग शिमला मशोबरा भी बर्फ में फिसलन के चलते बंद हुआ है। अब ऊपरी क्षेत्र के लिए यातायात को बाया धामी होकर चलाया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की दर्जनों बसें विभिन्न संपर्क मार्गों पर फंसी हैं। रामपुर आनी जलोड़ी ज्योत नेशनल हाईवे 305 भी अधिक बर्फ के कारण अवरुद्ध है। किन्नौर में जिला मुख्यालय से आगे का मुख्य मार्ग भी ग्लेशियर गिरने से बंद पड़ा है। किन्नौर के अधिकांश हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप है। बर्फ में वाहनों की आवाजाही न होने के कारण जीवन भी थम सा गया है। बिजली की लाइनें बर्फ के कारण कई स्थानों पर टूट गई हैं। इससे ऊपरी क्षेत्रों के लोगों को बिजली की सेवा बंद है, जिसके कारण कई गांव अंधेरे में हैं। पानी की पाइपें ठंड से जमने के कारण पेयजल सप्लाई भी ऊंचाई वाले इलाकों में पूर्ण तरह बंद है। सरकारी स्तर पर बिजली पानी बहाल करने के कार्य तेजी से लगे हैं, लेकिन वाहनों की आवाजाही के लिए भी मशीनों द्वारा सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। कपिल ने बताया कि मौसम खराब चल रहा है, इस दौरान भारी बर्फबारी भी हुई है। इससे वाहनों की आवाजाही ठप हुई है, जिसके कारण बिजली पानी भी ठप है। ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। योगी धार से हूँ। कल रात से मौसम काफी खराब हो गया, जिससे रात को 2 बजे से बर्फबारी शुरू हो गई और हमारे यहाँ रोड की व्यवस्था भी बंद हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। और कल रात से हमारी जो बिजली है वो भी बंद हो गई है, और साथ ही साथ में यहाँ पे पानी भी जम गया है। जो 12-20 से हमारी लाइन आती हैं वो 1 महीने से बंद पड़ी हैं, वहाँ भी बर्फ जमी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है। वहीं स्थानीय निवासी अरुणा ने बताया कि बर्फबारी के चलते बिजली गुल हुई है, पानी भी नलों में जमने के कारण सप्लाई बंद है, बसों की आवाजाही भी बर्फ के कारण बंद है। ठंड के कारण घरों में दुबकने पे लोग मजबूर हैं। मेरा नाम अरुणा है, मैं धार में रहने वाली हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बर्फ आई और क्या बोलते हैं, यहाँ पर बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बसें भी नहीं आ रही है, हम अंदर ही है रूम में। वहीं बिजली विभाग के कर्मी देवराज ने बताया कि काफी बर्फ गिरी है, काम करने में परेशानी हो रही है, लेकिन वे प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल की जाए। हाँ, मेरा नाम देवराज है जी। हाँ जी, मैं बिजली बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ALM हूँ जी। हाँ जी, और हम रात को काफ़ी बर्फ आई है, हाँ तो हम बर्फ में काम कर रहे हैं, हम जल्द जल्द इस लाइट को बहाल करेंगे।